श्री गंगानगर के घड़साना में लॉकडाउन की पालना नहीं करने पर प्रशासन और पुलिस के संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की है। तहसीलदार दानाराम लूड़ा, थानाधिकारी विजेंद्र सीला, नायब तहसीलदार ने बताया कि अंबेडकर चौक और बाजार में 18 लोगों को मास्क नहीं लगाने पर दोषी पाया गया है। पुलिस ने इनसे 3,600 रुपये जुर्माना वसूला है और 14 वाहनों का चालान भी किया है। साथ ही कार्रवाई में 4 वाहन भी जब्त किए गए हैं। इसी महामारी से बचने के लिए पुलिस प्रशासन आज कहीं ना कहीं सतर्क नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि तमाम इलाके में नाके लगे हुए हैं और पुलिस जो है चाक चौबंद प्रबंध किए हुए है। बेवजह घूमने वाले वाहन चालक और बिना मास्क के आ जा रहे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। हमारे साथ पुलिस महकमे से गुरमीत जी मौजूद हैं। सर, आज आपके द्वारा क्या कार्रवाइयां की गई है? हमने आज सुबह से ये लॉकडाउन कर दिया है, किसी को भी आने जाने नहीं दिया। बेवजह जो घूम रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। जो भी व्हीकल लेके बेवजह घूम रहे हैं उनको अंदर आने नहीं जा रहे। 9 एरिया घोषित कर दिया मार्केट के अंदर, अगर कोई आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज आपके द्वारा कहाँ कहाँ नाके लगाए गए हैं? आज हमारे मैं अभी यहाँ अमेरिका चौक पे हूँ, इसके अलावा कुपली रोड पे है और कुपली त्राहे पे है और रोटरी चौक पे है। चारों तरफ से मंडी की तरफ से किसी भी वाहन को अंदर नहीं आने जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल तमाम चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं और इलाके में बिल्कुल नाके लगा दिए गए हैं। कुपली चौराहा, अम्बेडकर चौक, रोटरी चौक पर तमाम पुलिस प्रशासन जो चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं ताकि कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। वही A1 TV तमाम लोगों से अपील करता है कि आप घर पे रहें ताकि वैश्विक महामारी से बचा जा सके। मैं मेरे कैमरामैन धीरज के साथ विकास परिक, A1 TV, घड़साना।